सुल्तानपुर नगरी धार्मिक नगरी है। आए दिन कोई ना कोई शुभ कर्म शुभ कार्य नगरी में होते रहते हैं। कई वर्षों से परम पूज्य आज स्वामी सत्यदेवानंद जी महाराज जी के द्वारा आप कभी राम कथा कभी भागवत कथा कभी हरि कथा उनके श्री मुख से आप सुनते लगातार आ रहे हैं। पिछले वर्ष मुझे भी कथा में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इसने बस मैंने कहा कि अगली वर्ष कथा आपके यहां मैं पठन करूंगा। उसी दिव्य वचन के अनुसार मुझे वचन निभाना था और आना पड़ा। बहुत वर्ष पहले मैंने यहां पर कथा की थी। सभी लोगों ने बड़े संयम के साथ बड़े धैर्य के साथ बड़ी परंपरा और मर्यादाओं के साथ कथा संपन्न कराई। इस वर्ष भी आप सभी के द्वारा श्री हरि कथा का आयोजन आज प्रारंभ हो रहा है। इस मंगलमयी वेला में पधारे हुए सभी आचरणीय वंदनीय पूजनीय संत चरण परम श्रद्धेय परम पूज्य स्वामी जगदेवानंद जी महाराज परम श्रद्धेय परम पूज्य स्वामी ब्रजानंद जी महाराज परम श्रद्धेय परम पूज्य स्वामी अमृतानंद जी शास्त्री जी पूज्य ब्राह्मण देवता हमारे पंडित जी मलकपुर वाले पंडाल में समुपस्थित सभी आदरणीय बुजुर्गों युवान भाई और बहनों और छोटे छोटे बालक और बालिकाओं और भक्तिमती श्रद्धामयी शक्ति स्वरूप बहनों माताओं मातृशक्ति और मंच पर विराजमान सभी संगीत मंडल के सभी सदस्य भाई महेश जी बेनीवाल सुनील जी प्रजापति आप सभी के सहयोग से ये कथा संपन्न होगी। पहला पहला दिन है ना बच्चे शुरू शुरू तो करते हैं गड़बड़ फिर दो तीन दिन में ठीक हो जाए। सतगुरुदेव जम्भेश्वर भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। श्री वाके बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। आज के आनंद की धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। बोलो विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। अथाह तो ब्रह्म जिज्ञासा हम सभी कुछ ना कुछ सीखने की इच्छा से यहां पर पधारे हैं।
भगवान श्री गुरु जुम्भेश्वर जी कहते हैं, आई अमाणो तत्व समाणो गुरु प्रमाणो बहु प्रमाणो। सबसे पहले आई अमाणो माने हमें उस परम तत्व को जानने के लिए अभिमान रहित होना पड़ता है। आई अमाणो, जो अभिमान और अहंकार रखते हैं उन्हें परम तत्व की प्राप्ति कदापि नहीं होती। आई अमाणो तत्व समाणो, उस परम तत्व को जानना चाहते हो, उस परम तत्व को प्राप्त करना चाहते हो, उस परम तत्व में समाना चाहते हो, उस परम तत्व की कृपा चाहते हो, उस परम तत्व का अनुग्रह चाहते हो, तो आई अमाणो तत्व समाणो गुरु फरमाणो। गुरुदेव कहते हैं, मैं तुम्हें फरमा रहा हूं, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं, मैं तुम्हें निर्देश दे रहा हूं, बहु परमाणु और बहुत से परमाणु आपको दे रहा हूं कि जिन लोगों ने अहंकार किया, जैसे गुरुदेव शब्दवाणी में कहते हैं, देव दानु खीना, साफ शब्द कह दिया, बात विवादे दानु खीना। जिन लोगों ने अहंकार किया अर्थात बात और विवाद में उलझ गए, बात विवाद दानु खीना, दानु माने दानव, बड़े बड़े दानवों ने अहंकार किया लेकिन अहंकार के कारण दानु खीना वो यहां समाप्त हो गए, नष्ट हो गए। जो अहुपी भवरी भवरा, जैसे भवरा और भवरी होता है, एक फूल की सुगंध की आसक्ति में उस इतने आसक्त हो गए उस सुगंध में, जाकर पुष्प के अंदर बैठ गए और सज्जनों पुष्प संध्या हुई, पुष्प बंद हो गया, फूल बंद हो गया, और जब प्रातः काल पुष्प खिला तो भवरी और भवरा दोनों मृत पाए गए, क्योंकि उस सुगंध में इतने मस्त हो गए वो भूल गए। और प्रातः काल फूल खिला तो दोनों मृत पाए गए। व्यक्ति ऐसे ही अहंकार में इतना डूब जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है लेकिन छोड़ता नहीं है। इस तत्व को अपने सामने रखना चाहिए। कथा मुझे किसी को खुश करने के लिए नहीं करनी होती है, मुझसे लोग राजी हो जाएं, लोग मेरी बढ़ाई करें, मेरी प्रशंसा करें, इसलिए मैं कथा नहीं करता हूं। और बहुत वर्ष हो गए हैं मैं कथा में केवल एक पुष्प की दक्षिणा लेता हूं, बहुत वर्षों मैं कथा में दक्षिणा लेता कभी किसी से, एक फूल लेता हूं बस दक्षिणा के रूप में, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, ये संगीत वाले हैं, टेंट वाला है, साउंड वाला है, इनको तो परिवार को पालना है, मुझे कौन सा परिवार पालना है। जब तक जरूरत थी तब तक लगता रहा, जरूरत नहीं रही, आश्रम बन गए, व्यवस्था अच्छी हो गई, अब 4-5 साल हो गए, कोई नहीं कह सकता कि हम स्वामी जी को दक्षिणा दी है या कभी ली भी है, नहीं। हाँ, प्रेम है, प्रेम के कारण ही, इस ममता के कारण ही, स्नेह के कारण ही आपके बीच में कुछ टूटी फूटी वाणी लेकर आते हैं। इस मानव समाज में सुधार हो, मानव समाज को अच्छी दिशा मिले। अगर हमारी दिशा अच्छी है सज्जनों, तो हमारी दशा अच्छी होती है। हमारी दिशा खराब हो गई तो हमारी दशा भी खराब हो जाती है। इसलिए कथा दो काम करती है, एक दिशा और एक दशा, ये दोनों को ही हमारे जीवन में प्रदान करती है।
ये सच है। कथा सुनकर एक भूख तो मिटती है लेकिन एक भूख बढ़ती भी है सज्जनों। जो अज्ञान की भूख है ये प्राय कथा सुनने से मिटती है, जो ज्ञान की भूख है कथा सुनने से और बढ़ती है। और कथा सुने, और कथा सुने, कथा भेद और भाव को भी मिटती है जाता है। आपने कभी कथा सुनी होगी, ये जो भगवान राम के बड़े परम सखा थे उनका नाम निषाद राज था। आप रामायण पढ़ते हैं, ये सच्चाई क्या है? आपने कभी कथा सुनी हो तो निषाद राज की जो मां थी वो अयोध्या की थी। और कब महाराज दशरथ हुए, किस युग में हुए देखो, उस समय भी जो निषाद राज की मां थी ये तो वैसे ही भील होते हैं। इनके तो खान पान, रहन सहन, शिकार, मांस मछली, इसको महत्व देते हैं। लेकिन फिर भी निषाद राज की जो मां थी महाराज दशरथ जी इसको बहन कहकर पुकारते थे। जो लोग भेदभाव की खाई खोदते हैं शायद उनका अध्ययन कम है। निषाद राज जी की मां महाराज दशरथ की धर्म की बहन थी और जब अयोध्या में आई तो कहते हैं निषाद राज का जन्म भी अयोध्या में हुआ था। और जब जन्म हुआ निषाद राज का तो महाराज दशरथ अपनी धर्म की बहन को बधाई देने गए। बहन, तेरे पुत्र को जन्म दिया है, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं, क्या मांगना चाहती हो? मैं चाहती हूं भैया, ये पद्म पुराण की कथा है, किसी को पढ़नी हो तो, मैं चाहती हूं मेरा बेटा तेरे बेटे के साथ पढ़े। कहां भेदभाव था, वो निषाद राज भगवान राम के साथ पढ़ता था वशिष्ठ मुनि की गुरुकुल में। क ख ग दोनों ने एक साथ सीखे हैं, एक साथ पढ़कर बड़े हुए। और कभी कभी आखेट भी भगवान राम निषाद राज के साथ खेलते थे। और उन्हें तो भगवान राम जब निषाद राज के साथ गए तो भगवान ने कहा अगर कोई भी यहां कोई हिंसक जीव आएगा तो मैं आपको वचन देता हूं मैं उसका संहार कर दूंगा, लेकिन अगर मेरा बाण चल जाए तो मेरे बाद किसी का बाण नहीं चलना चाहिए, ऐसा हुआ तो मैं मतलब नहीं दूंगा उसको। लो बताओ, इसलिए राम ने डरा के रखा कहीं किसी हिंसक जीव को भेड़ ना जाए। और एक दिन भगवान राम सारे भाई और निषाद राज साथ में वनों में भ्रमण करने के लिए निकले और उसी समय एक सिंह ने, एक शेर ने राम के ऊपर आक्रमण बोला। जैसे राम आगे बढ़े तरकस से बाण निकाला, उस सिंह को, उस शेर को बाण मारा राम ने, वो सिंह बाण खाकर भी राम पर हमला बोल दिया। अब निषाद राज सोचने लगा राम ने तो ये तो राजा है, आज्ञा भी दे दी है, अगर मैंने किसी पर प्रहार किया उस पर कोई प्रहार करेगा तो उसको मृत्युदंड दूंगा। लेकिन निषाद राज ने देखा नहीं, उसी समय तरकस से बाण निकाला, उस सिंह को जोर से बाण मारा, सिंह गिर गया। राम ने कहा मित्र क्या तुम्हें मेरी प्रतिज्ञा का पता नहीं है? मैंने कहा था ना कोई मेरे शिकार पर दोबारा प्रहार करेगा मृत्युदंड दूंगा। अपने साथ राज मौन हो गए, पूरा अयोध्या में हो गया। क्या निषाद राज को राम उसको फांसी देंगे, उसको मृत्युदंड देंगे, क्या करेंगे? जैसे समाचार दशरथ को मिला, दशरथ जी आए और कहा निषाद तुमने ऐसा क्यों किया?
निषाद ने कहा, महाराज एक निषाद नहीं, 1000 निषाद राज को तुम मृत्युदंड दे देना, लेकिन मेरे राम को कुछ हो जाता तो हम क्या करते? राम को बचाने के लिए हम मृत्युदंड पाने को तैयार है। राम को कुछ ना हो जाए, दशरथ के आंखों में आंसू आ गए। निषाद राम ने हृदय से लगा लिया, निषाद मेरे मित्र। अब एक दिन दशरथ ने कहा निषाद राज की मां को, निषाद राज दशरथ ने कहा, देवी तेरा पुत्र सच में बड़ा होना आ रहा है, तो कुछ चाहेगी अपने पुत्र के लिए? उस भोले भाली ने महिला ने कह दिया, महाराज दशरथ तुम्हारा बेटा भी राजा है, क्या मेरी बेटी को राजा बना सकते हो? दशरथ ने कहा, मैं चक्रवर्ती सम्राट दशरथ आज तुझे वादा करता हूं बहन, हमने तेरी शादी संग्रेरपुर में की थी, जब तेरे बेटे को संग्रेरपुर का राजा बना देता हूं, और राम ने संग्रेरपुर का राजा निषाद राज को बना दिया। कहां भेदभाव था इतना, कहां इतना कुछ था, सब लोग प्रेम से रहते। और मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं, कथा अगर अज्ञान की भूख को मिटती है तो ज्ञान की भूख को कथा बढ़ाती है। हां एक बात तो है, कथा संतुष्टि भी प्रदान करती है और कथा संतुष्टि भी प्रदान करती है। हम कथा सुनकर संतुष्ट भी होते हैं, एक आनंद का अनुभव करते हैं, एक सुख का अनुभव करते हैं, एक सच्चिदानंद का अनुभव करते हैं, अपने अंतरपुर की यात्रा करने का अवसर मिलता है, संसार में जीने की युक्ति मिलती है। बुरा मत मनाना, गुरुदेव ने कहा है 120वें शब्द के अंत में, भलिया होसो भली बुध आ रहे, बुरी आ रहे बुरी कमावे। भलिया होसो भली बुध आ रहे, हमारी सोसाइटी कैसी है, हमारी संगति कैसी है? अच्छा, जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, रहते सहते हैं, उनका खान पान कैसा है? अच्छा, उनका रहन सहन कैसा है? बुरा मत मनाना, उनकी बोलचाल कैसी है, उनका शिष्टाचार कैसा है, उनका चरित्र कैसा है, उनका चिंतन कैसा है, उनका आचरण कैसा है, उनका भाव भरंगी कैसी है, उनकी दृष्टि कैसी है? और बुरा मत मनाना, जैसी दृष्टि होती है सृष्टि वैसी नजर आती है। हमारी दृष्टि कैसी है वैसी सृष्टि हमें नजर आएगी। हाँ, अगर हमारी दृष्टि में गिरावट है तो हमें सारे लोग ऐसे दिखाई देंगे। हम चरित्र में कमजोर हैं तो हमें सारे लोग नर नारी यही दिखाई देते, ये भी चरित्रहीन होगा। हमें झूठ की अमादी हो गए तो हमें लगता है ये भी झूठा होगा, ये झूठ के संसार में जीता है। हम जैसे हैं, हम कपट करते हैं तो हमें दुनिया कपटी नजर आएगी। हम लोभी हैं तो दुनिया लोभी नजर आएगी। हमारी संगति कैसी है, वो लोग कैसे हैं, अचम की दिनचर्या कैसी है? आप ये सोचकर साथ बैठना, इस आदमी की दिनचर्या कैसी है, इस आदमी की सोच कैसी है, इस आदमी की समझ कैसी है। अच्छा, समझ अच्छी है तो आप अच्छे हो जाओगे। जिन जैसी संगत करी तिन तैसो फलीन, कदली सिप भोजन एक बूंद गुण तीन। भैया सच तो ये है कि उस स्वाति नक्षत्र में बादलों से पानी की बूंद आती है। अगर वो स्वाति नक्षत्र में यदि वो केले की कोक में गिरती है तो सच ये है वो कपूर बन जाती है। उसी नक्षत्र में विषधर की मणि पर वो बूंद गिरती है तो वो विष अर्थात जहर बन जाती है। और वही पानी की बूंद उसी नक्षत्र में यदि सीप में चली जाए तो मोती बन जाती है। हमारी संगति कैसी है? लेकिन एक बात याद रखना, बरसात समान भाव से होती है, लेकिन जो ऊसर भूमि होती है जिसको हम मगरा भूमि कहते हैं, हम इसको बंजर भूमि कहते हैं, कितनी भी वर्षा हो जाए, कितना भी अच्छा खाद हो,
कितने भी अच्छी बीज हो, उस बंजर भूमि में बीज डालने से अंकुरित नहीं होता। उसी प्रकार जो व्यक्ति बहुत चरित्र का विरह हुआ है, उसको कथा वैसे ही प्रभावित नहीं करती जैसे वो बीज उस भूमि को प्रभावित नहीं करता। इसलिए कथा सुनकर हमें ये सोचना है, कथा हमारी भाव, जो हमारे भाव होते हैं, हमारी भावना, हमारा आचरण, हमारा चरित्र और हमारी दृष्टि, इन पांचों से चरित्र सब सिद्ध होता है। माने कथा अच्छे चरित्र का निर्माण करती है, कथा अच्छे विचारों का निर्माण करती है, कथा अच्छी सोच का निर्माण करती है। और मुझे कहने दो, कथा तुम्हारे जीवन को बदल देती है, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन ला देती है, कथा बदलाव ला देती है। और कथा वही है जो जीवन को बदल सके, जो जीवन में बदलाव ला सके, जो हमारे मन को बदल सके, हमारी भावनाओं को बदल सके, हमारे भावों को बदल सके, हमारे आचरण को कथा बदल दे। सच वो तो कथा है, बाकी तो कथा इस टाइम पास है। अगर वो बदलती है तो वो कथा है, अगर हम बदलते हैं तो मुझे चिंता नहीं होती कभी कि कथा में कौन पीपी कितनी है, लोग कितने आए हैं। लेकिन मैं ये जरूर देखता हूं कथा में क्वालिटी कैसी है, सुनने वाले कैसे हैं। कथा में संख्या का महत्व नहीं है, कथा में सुपात्र का महत्व है। इसलिए कथा से हमारा व्यक्ति व्यक्तित्व बदलता है। जब कथा से व्यक्ति बदलता है तो व्यक्तित्व बदलता है, और व्यक्तित्व बदलता है तो अपने परिवार के व्यक्तित्व को बदलता है, और परिवार का व्यक्तित्व बदलता है तो अपने गांव के, अपने समाज के व्यक्तित्व को बदलने में समर्थ माने हैं। और जो व्यक्ति समाज का व्यक्तित्व बदल दे, वो व्यक्ति राष्ट्र का व्यक्तित्व बदलने में समर्थवान होता है। इसलिए कथा किसी व्यक्ति की नहीं है भैया, कथा किसी गांव की नहीं है, कथा किसी समाज की नहीं है, कथा तो राष्ट्र को समर्पित होती है, कथा से तो राष्ट्र का निर्माण होता है। इसलिए ये बात ध्यान रखें, कथा अगर निर्माण करती है तो कथा निर्वाण भी करती है। जब बहुकाल सुनहु सत्संगा तब हुए संशय सब भंगा, जब बहुकाल। और एक बात बताएं, कथा एक घंटे की सुनने के बाद कथा का परिणाम प्लीज मत निकालना। कथा एक घंटे की नहीं, कथा एक दिन की नहीं, जब बहुकाल। और कोशिश करना कि जितनी भी अधिक से अधिक कथा सुन सको। जो लोग कहते हैं हाँ महाराज मैंने बहुत कथा सुनकर छोड़ दी, कथा सुनकर छोड़ दी तभी तो दुखी है, पकड़ लेता तो दुखी क्यों होता। मैंने कथा सुनकर छोड़ दी, बहुत कथा सुनी। अरे महाराज मेरी खोपड़ी बड़ी विचित्र है, हमने कहा खो पड़ी, खो कर पड़ी तभी तो खोपड़ी, अगर खोपड़ी संभाल लेती तो खोपड़ी नहीं होती, खो पड़ी। जिसने खो कर पड़ी सब कुछ घुमा दिया, खाली पड़ी है वही तो खोपड़ी। आओ इस कथा से अपने मस्तिष्क का विकास करें, आओ कथा से अपने अध्यात्म की उन्नति की दिशा पर चलें। अच्छा एक बात हो रही है, कथा के पांच नियम हैं, क्या उनके मान पाओगे। नंबर एक, अस्वाद अक्रोध आनंद अवैर क्षमाशीलता। पांच नियम भागवत के अनुसार, पहला अस्वाद, जिस दिन तक कथा सुनो, जब तक कथा सुनो कोशिश करना हम प्याज का भी उपयोग नहीं करेंगे। तामसी भोजन में आता है, हम सात्विक भोजन करके तब भगवान की कथा सुनेंगे। आओ तेज मिर्ची मसाले खाओ। देखो एक भोजन होता है सात्विक भोजन, एक भोजन राजसी भोजन होता है, एक सात्विक भोजन होता है। तो तामसी भोजन, राजसी भोजन और श्रेष्ठ सात्विक भोजन। अभी स्वामी जी कह रहे थे कि भोजन
केवल भूख को मिटाने के लिए नहीं होता ना भैया, भोजन तो सच कहूं तो इसको विज्ञान में मेंटल हेल्थ माना है, ये तो मानसिकता का बल मिलता है। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, और जैसा पियो पानी वैसी बने वाणी, और जैसा करो संग वैसा चढ़े। तो हमारा अन्न कैसा है, अन्न से हमारे मन का विकास होता है, अन्न हमारे मन का निर्माण करता है, अन्न हमारी सोच का निर्माण करता है। और सच ये है, आपने कल कैसा अन्न खाया था आज वैसा आपका मन बन जाएगा। इसलिए कम से कम भोजन, कम से कम भगवान की कथा में सात्विक ही भोजन पाए। और हाँ, भोजन करने के उपरांत आप बैठे रहो, कई तो लोग होते काम के ना काज के दुश्मन अनाज के, इतना खाकर आते कथा में भी कभी मामला गड़बड़ हो जाता है। जबकि गुरुदेव जन्मेश्वर भगवान कहते हैं कि कड़वा मीठा भोजन भकले भक्कर देखत खीरू, धर आकर भी साधन सोवन ओढ़न ओना चीरू। अच्छा देखो, एक भोजन, हालांकि हमारे एक संत थे जैन मुनि परम सागर जी महाराज, शरीर पूरा हो गया, वो कहा करते थे चार चीजों में प्रतिनिधि काम नहीं आएगा, एक भोजन में, दूसरा भजन में, तीसरा लगन में, और चौथा मरण में। चार जगह प्रतिनिधि काम नहीं आएगा। भोजन में आपको भूख नहीं लगी, या भूख लगी है कोई कह जी भोजन तैयार है, आप अपने पुत्र से कहो बेटा भोजन कर लो, आपका पुत्र भोजन कर ले, आपको भोजन स्वयं करोगे तो संतुष्टि मिलेगी, आप दूसरा कर ले संतुष्टि तो नहीं मिलेगी। इसलिए सज्जनों, भोजन स्वयं करें, और ये सोच कर करें एक भोजन एक संपत्ति और एक धर्म पत्नी, इनमें संतुष्ट का भाव रखना। भोजन जैसा मिला है वो भगवान का परम भक्त है, तुम्हें ही निवेदित भोजन करें। वो जैसा भोजन मिला दोनों हाथ जोड़ के थाली को प्रणाम करके ये सोचकर मेरे भाग्य में आज भगवान ने ऐसा ही प्रसाद भेजा है, भगवान को नमस्कार करके मानसिक भोग लगाकर उस भोजन को ग्रहण करोगे। गुरुदेव कहते हैं वही भोजन वो सुख कारक होगा, जैसे गौ मां के दूध की बनी खीर होती है, कड़वा मीठा भोजन भक्ले भाकर देखत खीर। और हां, एक पत्नी, एक बात आपसे कहूं, जन्मेश्वर भगवान ने एक जगह कहा है कि ईश्वर गोरी सरीख ने देखियो। मैंने बहुत सारे पति पत्नी देखे, इतने पति पत्नी को देखा, ईश्वर गोरी सरीख ने देखियो। सरीख कहते मारवाड़ी में पार्टनर को, जीवन साथी को, उस अभिन्न मित्र को, उसको पति कहते हैं। सरीख, ईश्वर गोरी सरीख ने देखियो। हमने बहुत पति और पत्नियों को देखा, हमने बहुत दंपतियों के जीवन को देखा, लेकिन हमें भगवान शिव और गोरी जैसा पति पत्नी का जोड़ देखने को नहीं मिला। भगवान कहते हैं शिव और पार्वती जोड़ा कहां, सती ने तो कह दी थी सप्तऋषियों, जन्म जन्म की रगर हमारी, बरहु शंभु ना तो रहु कवारी, मैं बरूंगी तो शंभु को बरूंगी, कवारी रह सकती हूं, उनके सिवा मेरा जीवन आधार कोई नहीं हो सकता। और भगवान शिव ने भी कहा, जाओ सप्तऋषियों सती की परीक्षा करो। इसलिए सज्जन मेरे कहने का भाव है, पत्नी जैसी भगवान ने दी और जैसा पत्नी को पति दिया, एक दूसरे में संतुष्टि, एक दूसरे के साथ सहयोग की कामना, एक दूसरे के साथ। अब जैसे कल कौन सा चौथ था, करवा चौथ था, करवा चौथ,
कल्प माताओं बहनों ने बहुत लंबी आयु अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा था, अपनी मां के सिंदूर के लिए व्रत रखा था, अपने सोले श्रृंगार के लिए व्रत रखा था। लेकिन एक बात और कहूं बहनों से, अच्छी बात है, करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए, हमें लेना देना क्या। लेकिन एक बात कहूं, एक व्रत और रखना चाहिए साथ में, कि मैं आज करवा चौथ के दिन एक व्रत लेती हूं, अपने पति की आत्मा कभी नहीं दिखाऊंगी। ये व्रत ले, एक और व्रत ले कि मैं छोटी छोटी बातों को लेकर पति को अपमानित नहीं करूंगी। एक और व्रत ले, मैं जीवन भर अपने पति को सुख से रखूंगी। एक और व्रत ले, जीवन में मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगी मेरे पति को नीचा देखना पड़े। मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगी मेरी और मेरे पति के बीच में मन मुटाव हो जाए। एक और व्रत जीवन में लो। अच्छा, मेरी बात का बुरा मत मानियो माता बहनों, मैं तो आपके लाभ की बात कह रहा हूं, मुझे क्या मिलने वाला, मिलेगा तो इनको मिलेगा इधर बैठे। एक और जीवन में लो, मैं वो काम करूंगी जो मेरे परिवार की, मेरे कुल की परंपराओं में है, मेरी कुल की मर्यादा में है, मेरी खानदान की मर्यादा में है। मैं वो कोई काम नहीं करूंगी जो मेरे पति को, मेरे परिवार को, मेरे कुल को, मेरी जाति को कहीं नीचा नहीं करना पड़े। मैं वो काम नहीं करूंगी। ये बदलो, करवा चौथ का व्रत रखो, जरूर रखो, लेकिन ये व्रत लो करवा चौथ के दिन की, मैं हमेशा वो काम करूंगी जो मेरे कुल में मेरा नाम हो। और एक बात आपसे कहूं, चलते चलते कह देता हूं, कथा का मुझे आज पहला दिन है, कथा की भूमिका बनानी है। एक अस्वादा माने स्वाद को त्याग कर, चटपटे को त्याग कर, ये सोचकर सात दिन हमारे गांव में संस्कार शिविर चलेगा। ये कथा नहीं है सच में, मैं आपको अपने को मैं कथा कम करता हूं, मैं संस्कार ज्यादा देता हूं कथा में। और ये कहना चाहता हूं कि संस्कार हमें चार जगह से मिलते हैं। कहां कहां से मिलते हैं? पहला संस्कार मां के गर्भ से मिलता है। अगर मां गर्भवती है, और याद रखना गर्भवती मां अगर क्रोध करती है तो उसकी संतान क्रोधित उत्पन्न होगी, उसे ब्रह्मा नहीं रोक पाएगा। और वो मां गर्भवती है, लोगों की निंदा करती है, तो उसकी संतान, चूंकि प्रहलाद जी कहते हैं मैंने ये मां के गर्भ में सीखा है कि मां जो कुछ करती है उसकी संतान पर उसका असर पड़ता है, इसलिए मेरा निवेदन ये है। मैं नहीं कह रहा, प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं। अगर मां चरित्र की कमजोर होती है तो उसकी संतान चरित्र की कमजोर उत्पन्न होती है। याद करो जनाब, वो वाल्मीकि रामायण का प्रसंग, जब एक बार सीता ने कहा था राम मैं ये नहीं आपसे कहना चाहती, आप मुझे ममता दो, लेकिन ये कहना चाहती हूं राम, मैं भी तो पराए घर से आई हूं, मैंने भी तो अपना सुख छोड़कर तुम्हारे साथ 14 साल वनों में रहने का संकल्प लिया है राम। लेकिन हर बात पर लखनलाल की प्रशंसा, हर बात पर पति अपने भाई की प्रशंसा, मैं भी तो अभागिनी हूं। राम ने कहा सीता लखन जैसा, लखन जैसा भाई कहां, आपका भाई इतना महान है। तो राम आज में आपसे प्रार्थना करूंगी, आज भोजन के लिए लकड़ी लेने के लिए आप जाओगे, पूजा के पुष्प लेने के लिए आप जाओगे, ठीक है सीता मैं चला जाता हूं। राम चले गए लकड़ लेने के लिए, पुष्प लेने के लिए। और तब सीता ने एक काम किया, लखन कहो मां आज मैं बहुत थक चुकी हूं, लखन आज मेरा मन विश्राम करने का है। और लखन मेरा मन है बिछोना होना चाहिए,
लखनलाल ने हरे हरे कोमल कोमल पत्ते तोड़े, एक गद्दा सा बना दिया, मां इससे कोमल बनों में कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन लखन, मेरा मन करता है तकिया भी तोड़ना चाहिए। हाँ क्यों नहीं मां, कुछ पत्ते और लिए तकिया बना दिया। लखन एक काम करो, आप बैठ जाओ, आज मैं आपकी गोद में सर रखकर सोना चाहती हूं। हाँ मां क्यों नहीं, मां को तो अधिकार है। और सीता मां लखन की गोद में सर रखकर लेट गई। वाल्मीकि जी कहते हैं, सीता ने पूछा, लखन अब तू ये बता पुत्र, इस बियाबान जंगल में मैं आवारा हूं, तेरी गोद में सर रख कर सो रही हूं, क्या तेरे मन में विकार उत्पन्न नहीं होते? मां आज मैं मेरे राम को साक्षी मानकर कहता हूं, यदि मेरी मां सुमित्रा और मेरे पिता के मन में कभी विकार उत्पन्न हुए हों, कभी चतुर्हीनता की विचार भी मन में आए हों, तो मां मेरे मन में विकार उत्पन्न हो जाए, ना मैं संकल्प लेता हूं, जिसके माता पिता चरित्रवान होते हैं उसकी संतान कभी चरित्रहीन हो नहीं सकती। हमें कहां से मिलता है विरासत में? माता पिता से मिलता है। हमें कहां से मिलता है विरासत में? अपने परिवार से मिलता है। इसलिए मेरा करुण निवेदन आपसे है, अपनी संतान को आप चाहते हो तो बहुत चरित्रवान हो, तो गर्भवती महिला को चाहिए वो गर्भ की अवस्था में कभी झूठ का सहारा ना ले, कभी क्रोध का सहारा ना ले, वो कभी कपट का सहारा ना ले। वो जितनी सरलता और सहजता से वो हमेशा गर्भवती महिला गौ मां के दूध का पान करे, उसकी संतान करुणा और ज्ञानी नहीं महाज्ञानी उत्पन्न होती है। और हमारे यहां तो गर्भवती महिला भैंस का दूध पीती है। मुझे क्षमा करेंगे आप, हृदय की गहराई से मैं भैंस का विरोधी नहीं हूं, लेकिन इतना कहना चाहता हूं, कभी आजमा के देखना हर रोज या 3 दिन तक, बस पहली रोटी को घी लगाना, थोड़ा गुड़ लगाना, और गौ माता किसी की बाहर में खड़ी हो तो कहना ले ले गौ मां, उसको देना। दूसरे दिन आपको देखकर आवाज लगाएगी, मां बेटा कहां जा रहा है, मेरा रोटी गुड़ कहां है? और तीसरे दिन दे दो कि चौथे दिन रस्सी खुलाकर तुम्हारे दरवाजे पर आ जाएगी। उसकी मेमोरी इतनी तेज है, और भैंस को तुम 5 किलो बूंदी के लड्डू डेली खिलाओ तो तुम्हारे घर में आने वाली नहीं है, क्योंकि उसकी मेमोरी 2 GB की है, वो भी जल्दी। हाँ? अच्छा कभी आजमा के देखना, भैंस का बछड़ा और गाय का बछड़ा मार्ग में खड़े हो, आप तो गांव के लोग हो, गांव से ही हम लोग हैं, तो जब आप के सामने कोई गाय और भैंस का बछड़ा आए, आप उसको हॉर्न भी देना, राहत हो जाए तो लाइट भी देना। भैंस गाय का बछड़ा हॉर्न सुनेगा साइड में, और भैंस का बछड़ा उसके बेचारे के दिमाग ही नहीं, कहां से आता? तुम उसी दूध को अपने बच्चों को भैंस के पिलाते हो, उनकी बुद्धि तस्वीर हो तो क्या होगा? अपने बच्चों को गौ मां का दूध पिलाओ, तुम्हारे बच्चे करुणा से नहीं, सच में आपको बताऊं, वो ज्ञान के भंडार हो जाएंगे, वो ज्ञान के सागर बन जाएंगे। मैं आपको छलकपट से नहीं कह रहा हूं, मैं ये बात हमदर्दी से कह रहा हूं। कभी जीवन में अस्वादा जैसा मिल जाए वैसा तो खा लो, लेकिन कम से कम पहला संस्कार है मां का गर्भ। और दूसरी बात कहूं तो दूसरा संस्कार है हमारा कुल, हमारा घर, हमारा परिवार। हम घर में कैसी भाषा बोलते हैं ये आप कभी नोट करके देखना। वर्तमान के बच्चे, इस आधुनिक युग के बच्चे, इस कली काल के बच्चे ये नहीं देखते माता पिता कहते क्या हैं, लेकिन ये एक टीवी निगाह से देखते हैं माता पिता करते क्या हैं। वो तुम्हारी छोटी छोटी बातों को ध्यान से देखते हैं, वो छोटी छोटी तुम्हारी आदतों को ध्यान से देखते हैं, हर बात को ध्यान से देखते हैं।
वो चाहते हैं हमारे माता पिता हमको ममता दें। चूंकि मैं एक गांव में गया था किसी में, तो मैंने देखा एक 3 साल का बच्चा, उसके पापा उसको जब बाजार से तो 2 सेब लेकर आए, उसका नाम चुनमुन था। ले बेटा एप्पल खाएगा? हाँ पापा। एक एप्पल दिया बच्चे ने, उसे खाया, दूसरा फिर बैग से निकाला, उसको भी मुंह में डाल दिया, अब वो भी खा लिया। तो पापा को झुंझलाट आई, क्या करता है तू? उसने कहा पापा एक बात कहूं? हाँ पापा, ये थोड़ा मीठा है, ये थोड़ा फीका है। पापा मीठा आप खा लो, फीका मैं खा लूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। उसके पापा की आंखों में आंसू आ गए। बच्चों में आज बड़ा समर्पण है, आज बच्चे बड़े बड़े इंटेलिजेंट, आजकल के बच्चे, हमने जो 8वीं 10वीं पढ़ा वो बच्चे 2री में पढ़ रहे हैं। नहीं, आजकल के बच्चों को अच्छा व्यवहार चाहिए। एक दिन तो साहब क्या हुआ, एक पुत्र ने अपने पिता से पूछ लिया, पापा 7 साल के बच्चे की उम्र, वो पापा नौकरी करते हैं ना? हाँ हाँ पापा। वो ये तो नहीं पूछूंगा एक महीने में कितनी सैलरी आपको मिलती है, लेकिन ये पूछूंगा पापा 1 घंटे में कितने पैसे कमा लेते हो? बेटा 100 रुपए कमा लेता हूं 1 घंटे में। अच्छा 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 ठीक है पापा, बात आई गई हो गई। 3-4 दिन बीते, बच्चा सड़क के ऊपर खड़ा है, घर के बाहर खड़ा है, पापा स्कूटर लेकर आए हैं, अधिकारी है। पापा दैनिक क्रिया से निवृत्त हुए, भोजन इत्यादि किया, जाकर अपने बेडरूम में सो गए। तब ये छोटा बच्चा पीछे जाता, पापा हाँ हाँ मुन्ना बोलो। वो पापा 50 रुपए चाहिए, प्लीज मना मत करना। फिर 50 रुपए, तू जब देखो पैसे मांगता है, और कुछ काम नहीं है मेरे पास कोई पैसा। बच्चा गया अपने रूम में, जाकर सर्दियों का समय, कंबल लेकर सो गया, नींद नहीं आ रही थी। आज पापा ने मना कर दिया। सज्जनों, पापा तो करुणा की मूर्ति है। सच में मुझसे पूछे कि इस दुनिया में करुणा की मूर्ति कौन है? कौन है वो जो सारा दिन धूप में काम करता है, बरसात में काम करता है, सर्दी में काम करता है, हार थका घर में आता है, पत्नी कहती है मुझे साड़ी चाहिए, पुत्र वधू कहती है घर की व्यवस्था चाहिए, पुत्र कुछ कहता है, बेटी कुछ कहती है, सब सो जाते हैं, लेकिन उस घर के मालिक को पूछो, जब सब सो जाते हैं वो बैठकर विचार करता है। आय का साधन तो एक ही है, खर्च के लिए बहुत व्यवस्थाएं हैं, ये भगवान मेरे परिवार को ठीक से चलाते रहना। सबकी इच्छा पूर्ति करता है वो बाप होता है साहब। बाप को पता कैसे घर चलता है। दया आ गई, पिता उठकर उसके शयन कक्ष में गए। बेटा आपने 50 रुपए मांगे थे ना? लो बेटा, उस समय आया था ना, थोड़ा सा मन खराब थे, 50 रुपए। बच्चे ने 50 रुपए लिए, जब से अलमारी खोली, अलमारी में से उसने एक गुल्लक निकाली, गुल्लक को तोड़ दिया, पैसे गिनने लगा। पापा देख रहे हैं 50 रुपए गुल्लक में निकले। तो पिता ने कहा बेटा जब 50 रुपए गुल्लक में थे तो आपने हमसे क्यों मांगे? बोले पिताजी एक बात कहनी चाहता हूँ, 50 रुपए आपने दिए, 50 रुपए मैंने गुल्लक से निकाले, अब मेरे पास 100 रुपए हो गए। मैंने 4 दिन पहले पूछा था 1 घंटे में कितने कमाते हो, आपने कहा 100 रुपए। पापा अब मेरे पास 100 रुपए है, कल मेरा हैप्पी बर्थडे है, कल मेरा जन्मदिन है पापा, कल मेरे जन्मदिन के समीप हो जाना, आप कभी नहीं भूले। हमें 1 घंटे का समय बच्चे के जन्मदिन पर बच्चे को देना नहीं चाहते, हम उससे क्या आशा रखें? बोलो उससे क्या उम्मीद रखें हम? वो बड़ा होकर तुम्हारी सेवा करेगा, वो बड़ा होकर तुम्हारा सम्मान करेगा? अरे जिन जिन लोगों ने बचपन में बच्चों का साथ दिया, आज उनके बच्चे अपने माता पिता का साथ दे रहे हैं, और जिन्होंने बच्चों की तरफ नहीं देखा आज बच्चे दुखी हैं,
बच्चों को मन में पीड़ा है, बच्चे आज हताश हैं, निराश हैं कहीं, अपने बच्चों को समय दो, माँ है तो बेटी को समय दे, और बेटी को जो कल का चल रहा है इसका उपदेश दे। हर माँ का कर्तव्य बनता है, हर पिता का कर्तव्य बनता है, कुछ समय अपने बच्चों को दो, ना तो बाद में क्या होगा, तुम घर के अंदर होगे तुम्हारा बच्चा घर के बाहर होगा, तुम घर के बाहर होगे तुम्हारा बच्चा घर के अंदर होगा, तुम सो रहे होगे वो जाग गया होगा, आप जाग रहे हो सो रहा होगा, ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी और प्राय ये देखने को आप मिल रही है। इसलिए भैया कुल के संस्कार, अपने कुल में हम जो भाषा बोलते हैं, कई लोग अपने बच्चों के सामने इतनी फूहड़ भाषा बोलते हैं, गंदी गंदी गाली निकालते हैं, ऐसे चरित्रहीनता के वाक्य बोलते हैं, आप सोच रहे हो कि हम सेकी दिखा रहे नहीं, आपके बच्चों को बिगाड़ने की जिम्मेदारी ले रहे हो आप। बच्चों के सामने असभ्य बोलना, बच्चों के सामने संस्कारहीन भाषा को बोलना, चरित्रहीन भाषा को बोलना, बच्चों के सामने अपशब्द बोलना, बच्चों के सामने निंदा चुप, हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं सब, उनके सामने बोले रहे हैं, हम बच्चों को सिखा रहे हैं, और बड़े होकर बच्चे वही करेंगे जो हमने हमने सिखाया बच्चों को। इसलिए कुल के संस्कार जो भूल गए हो उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन जिनके बच्चे छुटे हों वो इस कथा से संसार में बच्चों के सामने बड़ी मर्यादित भाषा, बच्चों के सामने बड़ी शालीनता की भाषा, बच्चों के सामने बड़ी मर्यादित भाषा बोलोगे, आपके बच्चे उस भाषा को समझेंगे और उनका जीवन मजबूत हो जाएगा। माता पिता चलता फिरता टीचर होते हैं, चलता फिरता स्कूल होते हैं जो अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। दूसरी बात कहूं, तीसरा संस्कार है हमारे स्कूल, हमारे गुरुकुल, हमारे कॉलेज। हमें जो कुछ स्कूल में पढ़ाया जाता है हम अधिकांश उसको बहुत सीखते हैं, आधा जीवन स्कूल की शिक्षा के ऊपर बच्चों का होता है। स्कूल में चाहिए जो अध्यापक होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, वो कॉलेज अपने स्कूल में, कॉलेज में, विद्यालय में, गुरुकुल में अच्छी भाषा का उपयोग करें, अच्छे आचरण का उपयोग करें, अच्छी शिक्षा प्रदान करें। गुरुकुल भी हमारे संस्कारों का तीसरी पीठ होते हैं, और बुरा मत मानना जो चौथी पीठ मिली है ये व्यास पीठ हमको मिली है, बच्ची कुची मिली है हमको, तो अब महाराज आप हमारे बच्चों को सिखाओ, अब महाराज आप हमें सिखाओ, माने बिल्कुल वही हो गया जैसे शहर में होता है, शहर के आसपास इर्द गिर्द कहीं कोई एक बात ठेली खड़ी होती है जो गन्ने का जूस बेचती है, और गन्ने का जूस निकालने वाले को आपने देखा होगा, वो पहले तो गन्ना सीधा, अब फिर एक बार फिर मोड़ेगा, फिर दोबारा, फिर चौथी बार मोड़ेगा, अब फिर पांच बार कह रहे हैं जी आप इसको सब निकाल के दिखाओ, ये तो वही बात हो गई। हम भी सोचते चलो आओ थोड़ा पुदीना थोड़ा नींबू और ले ले फिर हम भी कुछ निकाल ले, तो बच्चा को जो संस्कार हमें मिला है हम भी देने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। आज कथा करते करते मुझे 30 साल हो गए हैं, मैंने सोचा भी नहीं कभी कि 30 साल पहले से कथा शुरू की थी, आज तक मैंने कोशिश की है, तुम्हारे घरों में अक्सर बैठता हूं, परिवार में बैठता हूं, लेकिन किसी को अपने व्यक्तिगत जीवन में उंगली उठाने का मौका नहीं दिया किसी को। सो आपसे कहता हूं, कहीं भी उठो बैठो, कहीं भी जाओ, किसी को उंगली उठाने का मौका मत देना। ये संस्कार अष्टादश पुराणेषु भ्यास्यं वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय अर्पीडनम्। भैया अष्टादश पुराणेषु 18 पुराणों में वेद व्यास जी ने दो ही बात कही है, परोपकाराय पुण्याय पापाय अर्पीडनम्। अच्छा, परोपकार के बराबर कोई पुण्य नहीं है, छोड़ो आप माला नहीं फेंको, मैं आपको पूरी कथा में माला फेंकने को नहीं कहूंगा,
मेरी गारंटी है। मैं पूरी कथा में आपको हवन करने को नहीं कहूंगा, मेरी गारंटी है। कोई प्रसंग आए तो सुना दो बोले, मैं आपको साधना करने को नहीं कहूंगा, लेकिन आपको छह बात बताऊंगा, उन छह बातों को अपना लेना तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अरे अच्छा मानव निर्मल मन जन सोई मुई पावा, कहां कहा है भगवान ने कि मुझे पूजा प्यारी है, कहां कहां कि मुझे यज्ञ प्यारा है, कहां कहां मुझे यात्रा प्यारी, कहां कहां ये कहा है। मुझे निर्मल मन दे दे भले आदमी, ये मुझे अच्छा लगता है। निर्मल मन जन सोई मुई पावा। अच्छा एक बात कहूं, बुरा मत मनाना मेरी बात, कहां लिखा है पूजा करना धर्म है, कौन से ग्रंथ में लिखा भैया मुझे बताओ जरा, कहां लिखा कि हवन करना धर्म है, कहां लिखा है कि साधु की सेवा करना धर्म है, कहां लिखा ब्राह्मण की सेवा करना धर्म है, बताओ कहीं लिखा हो तो, हवन करना धर्म है, माला फेंकना धर्म है, लिखा हो तो बताओ। हाँ ये तो लिखा शास्त्रों में, परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। बुरा मत मानना, ऐसा लिखा है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, दूसरों की सेवा करना, परहित करना, परोपकार करना, तुम्हारे कर्म से किसी का मन ना दुखे, किसी को पीड़ा ना पहुंचे, किसी को तकलीफ ना हो, किसी को दुख ना हो, ये धर्म है भैया। ये सच में कहीं विष्णुई धर्म है तो कहीं सिख धर्म है, कहीं ईसाई धर्म है, कहीं हिंदू धर्म है, कहीं सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है, कोई कहता है माता पिता की सेवा करना धर्म है, कोई कहता है जप करना धर्म, अनेकों गरीब गुरुओं की सेवा करना धर्म है, लेकिन विश्व सहस्त्र नाम में लिखा है एक धर्म है, एक परम धर्म है। आप धर्म का पालन करो, लेकिन परम धर्म क्या है, परम धर्म है उस परम पिता परमात्मा का भजन करना, ये परम धर्म है। बाकी सब धर्म है, पंडित जी की आए मलकपुर से सेवा करो, इन्हें भोजन कराओ, दक्षिणा भी दो, ये धर्म है। लेकिन इससे बढ़कर एक धर्म है, परमात्मा का भजन करना। आज हम सब धर्मों को याद करते हैं, लेकिन परम धर्म हमसे दूरी बनाता जा रहा है। आज हम भजन ना करते हैं, नहीं करते, इसलिए आज हम दुखी हैं, इसलिए आज हम पीड़ित हैं। भजन नहीं करते, थोड़ा बहुत मंदिर में भी जाते हैं तो भगवान से कहते हैं बस तू मेरा एक काम कर दे, कर दे एक किलो दूध चढ़ाऊंगा, बस तू मेरा मनोकामना तेरी कामना ला कर दूंगा, बस तू मुझे। तो हमने भगवान को एक अच्छा बिजनेसमैन मान लिया है, बस वो हम उसका काम करें, वो हमारा हमारी निस्वार्थ भक्ति कहाँ है बताओ। इसलिए हम दुखी हैं कि भक्ति में भी स्वार्थ जाग गया, भक्ति में भी हमारा लालच जाग गया, तो भक्ति रहेगा भी निर्मल भक्ति, ये तो बिल्कुल वैसी हो गई। एक व्यक्ति पैसा लेके दुकान पर जाता, एक दुकानदार पैसा ले सामान दे, दुकानदार कहता तुम्हारी मेरी दोस्ती कहाँ की है, पैसा लेता सामान देता। हम भगवान को मांग लेते हैं, भगवान दे देता है, हमारी भक्ति कहां की रह गई, हम तो स्वार्थ में भगवान को याद करते हैं। मेरी बात बहुत कड़वी लगेगी आपको, लेकिन मैं आपको सारी बातें इतनी कड़वी कहूंगा इस बार कथा में, कहीं हो सकता है कि अंदर की बैठी भक्ति जाग जाए तुम्हारे अंदर से बैठा भाव जी जाग जाए, ए दाता कामन लाना ये मेरा धर्म है, माता पिता की सेवा करना ये मेरा धर्म है। ले दाता मेरे जन्म से पहले तुझे पता है कि मेरे जीवन में कितना सुख है और कितना दुख है, क्या वो मांगे से देगा, तो उसको पता नहीं है। उसको तो ये भी पता है कि तुम पूर्व जन्म में कौन थे, वर्तमान में कैसा जीवन है, भविष्य में क्या जीवन होगा, क्या उससे अपनी अल्प बुद्धि से मांग कर अपनी भीख छोटी नहीं कर लेते। वो सत्ता वो बहुत कुछ देने वाला था, लेकिन छोटी छोटी चीज मांगकर हमने अपने आप को छोटा बना लिया। इसलिए चौथा संस्कार है व्यासपीठ, ये संस्कारों की पीठ है, और यहां से हर एक बात ऐसी कही जाए जो तुम्हारे दिल को छू जाए, तुम्हारे मन को छू जाए। तुम्हारे मन में स्वतः जब शाम को जाकर सो तो ये बात कहने को मजबूर हो जाओ, यार बात तो ठीक है महाराज जी ने गलत नहीं कही, हम उसको स्वार्थ बस नहीं मान रहे थे, लेकिन बात तो सत्य है।
इसलिए भैया अस्वादा और तथा का दूसरा नेम है अक्रोधा। हम सारी व्यवस्था घर की चौपट कर लेते हैं जब हम क्रोधित हो जाते हैं। जबकि गुरुदेव जन्मेश्वर भगवान कहते हैं कि आला सूखा मैले नहीं, जिंदिस करे मुहानो, पापे गुण ने बीए नहीं, रीस करे निशानो। और एक बात बताऊं, 120 शब्दों में कहीं विष्णु शब्द नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जन्मेश्वर भगवान की वाणी समूची मानवता के लिए थी, किसी एक व्यक्ति या जाति विशेष के लिए किसी के लिए थी नहीं। सारा हमने उसको अपने बापोती मानकर उस कीमती हीरे को जेब में रख लिया, हमारा है, उपयोग भी नहीं करा, दिया भी नहीं किसी को। शब्द वाणी वो ज्ञान का हीरा है, आओ सबको बांटे, आओ सबको दें। इसलिए आला सुखा मेले नहीं, जिंदिस करे मुहाड़ो, पापे गुने बीए नहीं, रीस करे निशानो। जब अग्नि प्रचंड होती है, अग्नि प्रज्वलित होती है और वो जिस दिशा में बढ़ती है उस दिशा में आला सुखा नहीं देखती, गीला सुखा नहीं देखती, प्राय प्राय सबको जलाकर समाप्त कर देती है। उसी प्रकार जब व्यक्ति को क्रोध आता है वो पाप और पुण्य को नहीं देखता, वो छोटे बड़े को नहीं देखता, वो अपने पराये को नहीं देखता, वो ये नहीं देखता सामने मेरी पुत्र वधू खड़ी है, मेरी बेटी खड़ी है, मेरी पत्नी खड़ी है, मेरे जवान बच्चे खड़े, सबको अभद्रता की भद्रता भूल जाता है। ज्ञान क्यों भूल जाता है? जब बादल आते हैं तब सूर्य तो होता है लेकिन सूर्य का प्रकाश धरती पर नहीं पड़ता, अंधेरा हो जाता है। जैसे बादलों ने सूर्य के प्रकाश को रोक दिया, उसी प्रकार जब क्रोध के बादल आते हैं तुम्हारी बुद्धि रूपी सूर्य के ऊपर, तो बुद्धि सोचना बंद कर देती है और बस उसमें रम जाती है और हम पछताते हैं, मैंने फिर ऐसा क्यों बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। और याद रखना, एक वाणी ऐसी है जिसके द्वारा हम मित्रों को शत्रु बनाकर बैठ गए हैं। अपनी वाणी के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, हृदय तराजू तोल ले फिर मुख बाहर आनी। अरे ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आप ही शीतल होए। कागा किसका धन हरे, कोयल किसको देत, इस जिभ्या के कारण जग अपना कर ले। शब्द सवारे बोलिए, शब्द हाथ ना पाओ, एक शब्द है औषधि, एक शब्द है घाव। क्या भूल गए महाभारत के युद्ध को? इसके परिणाम में क्या था? अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। एक शब्द ने महाभारत युद्ध की नींव डाल दी। साहब घरों में महाभारत इसी शब्द के द्वारा होते हैं, इसी वाणी के द्वारा होते हैं। इन वाणियों ने भाइयों भाइयों के प्रेम को खो दिया, पति और पत्नी के प्रेम में दीवार बन गए शब्द, सास बहू के जीवन में ये दीवार बन गए शब्द। सुंदर से सुंदर घर, बड़े से बड़े घर आज किस दिशा में जा रहे हैं ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, ये मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। हमने भाषा को उदंड बना लिया है। हाँ अभी कह दो लांबा खेड़ा जाना, अभी चल जाएगा पूरा गांव का ठोकर वहां। अभी मैं मर गया विरोध करता करता, इन चीजों से बचो बचो बचो, कुछ नहीं है मेरा कहना मान लो। हर रोज रोकता हूं, हर साल कहीं ना कहीं से रोक लगाता हूं। रुक तो जाते हो लेकिन 3-3 करोड़ रुपए का नुकसान करके बचते हो, तो बचे तो क्या बचे। कथा में लाख रुपए लगाने को डरते हो, वहां 40-40 किस्त गवा देते हो। मुझे पीड़ा होती है साहब, मैं जन्मा हूं समाज में, मैंने देखा इतना सभ्य समाज अपना हिंदू समाज, इतना निर्मल समाज अपना हिंदू समाज, चाहे वो जाट हो, बनी हो, चाहे वो विष्णुई हो, हरिजन हो, सैनी हो, जो भी हो, इतना सभ्य हमारा समाज, और एकदम इतने भटकाव में चला जाता है। क्या अपने भगवान पर भरोसा नहीं? क्या मेरे भोलेनाथ पर भरोसा नहीं है? क्या मेरे नारायण पर भरोसा नहीं है? क्या मेरे राधे श्याम पर भरोसा नहीं है? इनका भरोसा टूट गया है।
छोटे छोटे किसी ने इतनी तुम भक्ति में कंगाल हो गए हो कि पीछा छोड़ पड़ते हो किसी ने। जिस दिन तुम्हें सुख मिलेगा, जिस दिन तुम्हें आत्मिक सुख मिलेगा, तुम्हारे धर्म का कर्तव्य पालन करने से मिलेगा। बाकी तुम भूल जाना, मेरा धर्म है, मैं हूं पहरेदार, मैं समाज का चौकीदार हूं और मुझे जगाना जरूर होता है। मेरा काम है तुम्हें, तुम जागो ना जागो तुम्हारी मर्जी, लेकिन पहरेदार तो रात भर जागते रहो। मेरा वो काम है हर पल जगाना चाहूंगा तुम्हें, तुम जागो ना जागो। हाँ एक बात जरूर है, अगर तीन चीज सीमा पर सिपाही सो जाए तो देश को खतरा है, सीमा पर सिपाही सो जाए तो देश को खतरा है। और भूल मत जाना, समाज में हम ब्राह्मण साधु सो जाए तो समाज को खतरा है। और हाँ द्वार पर द्वारपाल सो जाए तो द्वार को खतरा है, तीनों खतरे हैं। ऐसे एक व्यक्ति था, उसके मालिक को मुंबई जाना था ट्रेन से, वो सुबह उठा, वो पहरेदार था, रात को पहरा देता था, जागता था, बड़ा पुराना कर्मचारी हो गया था। एक दिन सेठ जी को मुंबई जाना था, उस द्वारपाल ने कहा पहरेदार ने का माल के कहो भैया आज मालिक को मुंबई नहीं भेजना। क्यों? मैंने रात को सपना देखा है। क्या सपना देखा है? वो रात को जिस ट्रेन से जा रहे उसका एक्सीडेंट हो गया। सेठानी को इतनी बात बहुत है, माताओं को तो इतनी बात बहुत है, चिंता करती है। सेठानी ने कहा सेठ जी आज मुंबई नहीं जाओगे। क्यों? हमारे चौकीदार ने द्वारपाल का सपना देखा है, जिस ट्रेन से आप जा रहे हैं वो उसका एक्सीडेंट हो गया। और सच ही हुआ भैया, वो नहीं गए। कई लोग अपनी पत्नियों की बात मान लेते हैं, कई सब तो नहीं मानते, कई तो घुरे हमें सामने से पत्नी कुछ कहा नहीं, मुझो पहाड़ा नहीं, मैं कोई पागल हूं क्या, कई मान लेते हैं। अच्छा कई तो एक बात हो रही, कई पत्नी कुछ कह दे महाराज जी को भोजन कराना है, मैं नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा? कह दूंगा। ऐसे भी तो कही है, समझौता कर लेते तत्काल में। लेकिन हमारे इस समाज में, यहाँ के समाज में देखता हूं, सब अपनी अपनी पत्नियों का सम्मान ही करते हैं, आदर ही करते हैं, करना भी चाहिए साहब। उसे नहीं गई मुंबई और रात को ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, तेरा भला। सुबह सुबह सेठानी ने कहा सेठ जी नौकर को द्वारपाल को कुछ देना है। अब सेठ जी ने आज से 50-60 साल पुरानी बात है, बड़े सेठ हैं, 1,00,000 रुपए का चेक बनाया, सारे कर्मचारी इकट्ठे किए, सेठानी लोग अपने नौकर को ये चेक दो, 1,00,000 रुपए का चेक दिया। थोड़ी देर के बाद सेठ जी ने एक और लिफाफा पकड़ा दिया, 1,00,000 का चेक देखा तो बड़ा खुश हुआ, और दूसरा लिफाफा खोल के देखा तो उसे नौकर से निकालने का लेटर दे दिया। तो अपने घर जा, सेठानी से कहा नौकर ने, मालकिन ये 1,00,000 रुपए का चेक मिला तो समझ में आ गया, लेकिन नौकरी से निकालने का लेटर क्यों मिला ये तो बता दो। द्वारपाल से कहा सेठ जी ने, ना पूछो तो ही ठीक, घर चले जाओ। बोले सेठानी ने कहा सेठ जी बताओ ना क्या बात है। तो भैया उन्होंने कहा सेठानी, सेठ जी बोलती सेठानी एक बात बताओ। हाँ बरसों से ये रात को हमारी पहरेदारी करता है। हाँ इसने सपना कब देख लिया? क्योंकि बिना सोए तो सपना आएगा नहीं, इसका मतलब रात को पहरेदारी नहीं करता, ये सोता है, क्योंकि सपना बिना सोए आएगा नहीं। ये तो भगवान की कृपा मान लो, आज तक कोई दुर्घटना नहीं घटी। से निकालो नौकरी से, अगर हम द्वार पर हम चौकीदार सो जाएं तो तुम्हारा नुकसान हो सकता है, बड़ा, कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, कोई बड़ी क्षति हो सकती है। इसलिए हमारा काम है तुम्हें जगाने का, हमारा काम है तुम्हें सोतों को जगाने का। और सोते जाग जाओ तो कथा भी तो सोतों को जगाने का काम करती है। कहां सो रहे हैं? मोहनिसा जग सोबनिहारा, देखत स्वप्न विचित्र प्रकार। हम भी सो रहे हैं कहां? अज्ञान की निंद्रा में। इसलिए गुरु जी कहते हैं जुग जागो जुग जाग प्राणी, कहीं जगंता सोवो, भल के दिन भिगोवो वैसी दुश्मन कहीं लगोवो। जागो गुरुदेव जगावे सुतोड़ा जागो, मारवाड़ी में कहते हैं गुरुदेव जगावे सुतोड़ा जागो।
हे सोते हुए लोगो अब जागो। नानक देव जी भी कहते हैं जागो रे जिन जागना, जागो रे जिन जागना, अब जागने की भगवान से मिलन नहीं होगा। और ये जीवन मिला है भगवान से मिलन करने के लिए, ये जीवन मिला है आवागमन को मिटने के लिए, ये जीवन मिला है हरि की भक्ति करने के लिए, ये जीवन मिला है अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए। इसलिए कबीर ने भी कहा, कबीरा सूता क्या करे जागो जपो मुरार, एक दिन सोना होएगा लंबे पैर पसार। जागो भैया जागो। इसलिए अस्वादा अनंदा किसी की निंदा नहीं, कभी भूल कर भी निंदा मत करो किसी की। क्यों, हम जिसकी निंदा करते हैं हम उसके दोषों को हरण कर लेते हैं, उसके दोष निंदा करने वाले पात्र को मिल जाया करते हैं। एक राजा था, राजा के यहां, मैं 5 मिनट में भगवान की आरती कर दूंगा, मुझे घड़ी दिखाई दी है 4:15 बजे, घर जाकर काम भी करना है। नहीं चलो फिर कल करेंगे, कल सुनाएंगे, आज आरती कर लेते हैं। है? सुना दो, चूंकि मुझे कथा की भूमिका बनानी पड़ती है, मुझे किन बिंदुओं पर चर्चा करनी 7 दिन, वो चर्चा मैं आपको उसको थोड़ा बिंदुओं को छू लेता हूं। पहले आनंदा सज्जन, मैं एक बात आपको बताऊं, ये बात कहीं भी किसी साधु किसी संत किसी भक्त के हृदय में 2 चीज झांक कर देख लेना, अगर 2 चीज उसके पास है तो भगवान का भक्त है। कौन कौन सी? नंबर 1, वो व्यक्ति दिन में किसी की निंदा कम करता हो, नोट कर लेना, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो व्यक्ति भक्त दिन में निंदा कम करता हो, किसी की निंदा ना करता हो, और रात्रि को निंद्रा कम लेता हो, भगवान का भक्त है। बस ये पहचान करने की, वो दिन में किसी की निंदा से दूर हो और रात को थोड़ी निंदा से दूर हो, भगवान के 2 काम करते हैं, किसी की निंदा नहीं करते और किसी की ज्यादा निंदा नहीं लेते। इसलिए निंद्रा कम हो और निंदा कम हो। एक बात और कहूं आपसे, निंदा जीव से होती है और निंद्रा जीव से होती है, अब क्या करना चाहोगे? ये 2 चीज है, निंदा जीव से होती है और ईर्ष्या जीव से होती है। हम जीव से ईर्ष्या ना करें। जो लोग किसी जीव से ईर्ष्या करते हैं, किसी मानव से ईर्ष्या करते हैं, याद रखना ईर्ष्या की आग पहले अंदर जलती है, हमको जलाती है, बाद में दूसरों को जलाया करती है। कभी ईर्ष्या मत करना, ईर्ष्या अंदर से खोखला कर देती है, ईर्ष्या अंदर तुम्हारे भजन को, वो भजन में घुल लग जाती है, ईर्ष्या तप में घुल लग जाता है, ईर्ष्या का वो भगवान का भक्त नहीं रह पाता। मेरा ये निवेदन है आपसे। एक राजा था, उसके क्षेत्र में महात्मा रहा करता था। वैसे महात्मा का स्वभाव होता है, गांव में गणिका रहती थी, वेश्यावृत्ति करती थी, नृत्य करती थी, अपने जीवन को चलाती थी। एक दिन कई दिन तक वर्षा होती रही, एक महात्मा उन्होंने एक तोता पाल रखा था।
अब झोपड़ी ऐसे दिन में धूप आए तो सारी धूप अंदर और पानी पड़े तो सारा पानी अंदर। कई दिन तक बरसात, अब वो तो था भूखा प्यासा, सर्दी में कांप रहा था, महात्मा अपने लिए तो नहीं मांगा, लेकिन परित मांगन जाओ तो कोई दोष नहीं है, लेकिन दान भी दो तो बार बार चर्चा नहीं होना चाहिए। कई लोग हमें गौशाला में कोई सेवा कर रहे थे तो गौशाला के अंत में कोई दानदाता कहीं आया, अब कार्यक्रम का अंतिम दिवस था, ऐसे मंच लगा था, बहुत से लोग दानदाता मंच पर बैठे थे, कुछ लोग नीचे सुन रहे थे। अब एक व्यक्ति मंच का संचालन कर रहा था, एक व्यक्ति ने मंच पर उसको बुलाया, ए संचालन महोदय, हाँ, जाकर माइक पर बोल दो 1,00,000 रुपए गुप्त दान। अब बेचारा माइक पर गया, 1,00,000 रुपए गुप्त दान गौशाला के लिए आया, बड़े लोग खुश हुए, बड़ी तालियां बजी। उसके बाद उसने फिर बुलाया, ए सुनो, जिसने गुप्त दान दिया कह दो मंच पर बैठा है। बेचारा फिर गया, जिसने गुप्त दान दिया वो मंच पर बैठा है। फिर बुला, बोले जिन्होंने दान दिया वो दाई तरफ से तीसरे नंबर के हैं। अब गुप्त रह गए, जिन्होंने दान दिया वो मंच पर तीसरे नंबर के हैं। अब हो गया साहब, दान मिल गया, चले गए सब अपने अपने घर। गौ भक्त, गौ भक्त, वो अगले दूसरे गौ भक्त पहुंचे, जी आपने वो दान दिया था गुप्त दान पैसे। उन्होंने SBI चेक, SBI बैंक का चेक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक काटकर वो बैंक में लेकर गए। मैनेजर ने कहा, जी ये तो कैसे नहीं होने का, क्यों इस पास हस्ताक्षर नहीं है, इस पर साइन नहीं है, ये कैसे नहीं हो सकता। वो दानदाता गए थे, सेठ जी आपने दान दिया था इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। बोले गुप्त दान में हस्ताक्षर नहीं होते। बोले गुप्त दान में हस्ताक्षर, अब वो तो ऐसा तो करना मत कहिए। तो मेरे कहने का भाव इतना सह भैया, इतनी कोशिश है कि कभी भी दान दो, दान करेकर मन फूले, बंद करेकर दान कर लो, जितना बड़े से बड़ा योगदान हो। और चाहते हो दो चीजें, एक पाप और पुण्य, इन दोनों का स्वभाव एक सा, तेरा भला हो। पाप और पुण्य का स्वभाव एक सा कैसे हो सकता, एक सा है। दान देकर चुप हो जाओ, बोलो मत, वो अनंत गुना बढ़ जाएगा। और पाप करके चुप हो जाओ, किसी को बताओ मत, वो भी अनंत गुना बढ़ जाएगा। आज मां के देख लेना, दान करो, लोग उससे कहो मैंने दान दिया, मैंने दान दिया, मेरी कमाई का था। पहले तो मैं लोगों से पूछता हूं, भले आदमी एक बात ये बता, हाँ पूछो महाराज जी, सच को बोले, हाँ झूठ तो बोले, झूठ नहीं बोलेंगे, तो ये बता, भगवान ने तुझे पहले दिया कि भगवान से पहले तूने किसी को दान दिया। वो कहते जी भगवान ने पहले दिया, हमने तो बाद में दिया। होता भी यही है, भगवान हमें पहले देता है, बाद में दान करते हैं। चलो एक दूसरी बात, भगवान ने ज्यादा दिया कि तुमने दान ज्यादा दिया, ईमानदार से बताना, उत्तर मिलेगा ज्यादा भगवान ने दिया, हमने दान तो कम दिया। अरे तो फिर भी अहंकार करते हैं, अरे भगवान ने पहले दिया बाद में हमने दिया, माने हमने भगवान की दी हुई दान में से आगे दिया। अब मान लीजिए मेरा ये पेन है और ये गिर जाए और पंडित जी अपनी जेब में रख ले इसको, और थोड़ी देर के बाद पंडित जी कहें, माया जी ये लो पेन, एहसान मानना मेरा, आपको पेन दे रहा हूं, था किसका, मेरा ही था ना, इन्होंने ईमानदारी का परिचय दिया ना खाली। ऐसे ही जो कुछ हमारे पास है भगवान का दिया हुआ है, हम तो ईमानदारी का परिचय दे रहे, दाता तूने दिया है, तेरे दिए में से आगे दे रहा हूं, तो अहंकार नहीं आएगा। याद रखना, अगर आपके मन में यह आएगा कि मैं दे रहा हूं तो अहंकार अंदर बैठ जाएगा, और आपने ये कह दिया भगवान मैं तेरे दिए से दे रहा हूं तो भगवान अंदर आकर बैठ जाएगा। और भगवान को बैठाना है कि अभिमान को बैठाना है, दोनों दोनों चीज तुम्हारे हाथों में। ये कह दिया कि भगवान ने मुझे पहले दिया, मैंने बाद में दिया, तेरे दिए में से प्रसाद दे रहा हूं, तो हृदय में भगवान आके बैठ जाता है, और मैं दे रहा हूं मेरा है, अभिमान अंदर आके बैठ जाता है। अब अभिमान को अंदर बैठाना चाहते हो या अहंकार को अंदर बैठाना चाहते हो, अहंकार को बैठाना चाहते हो तो मैं करते रहो सारा दिन। लेकिन प्लीज एक बात याद रखना, गांव के लोग कहते हैं कि मैं नाने
मैंने कहा तो ग्राहक लागे 20 और बकरे ने मैंने कहा तुरंत कटाया 30। मैं ना वो बार बार कहती रही मैं कुछ भी नहीं हूं। उसके ग्राहक 20 लग गए थे और बकरे ने मैंने कहा बेटे ने 30 कटा दिया। बकरे मत बनाओ मैंने करके कभी भी जो कुछ भी है भगवान का दिया हुआ है। एक परिवार भी हमारा है, एक घर भी हमारा है, एक कुटुंब भी हमारा है। और सबसे पहले गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री पापे की हरी नंदलाल मेरो, श्री पापे की हरी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल। बड़ी सुंदर व्यवस्था आपने की है, मंच की व्यवस्था अच्छी की। मैंने टेंट वालों को कहा था मुझे गांव वालों की शिकायत ना मिल जाए, और साउंड वालों का कि कोई भी शिकायत ना मिल जाए मुझे। तो साउंड में मेरे ख्याल से चूंकि ये बच्चा मैं कहूं इस्लाम धर्म को मानने वाला है, लेकिन सच ये है कि ये बच्चा हमेशा इंच से ऊपर उठकर है। हम भी कई कथा करते इसकी नमाज का समय होता है तो बेटा जाओ साउंड लगा दो अपनी नमाज पढ़ो। हर धर्म अपना प्यारा होता है, सब अपने अपने धर्म का पालन करें। और हमेशा कथा में 25 साल से मेरे साथ है, 25 साल में जो मुट्ठी बंद करके इसके हाथ में रख दिया इसने आज तक ये नहीं कहा गुरु जी इसमें क्या है। आज तक 25 साल में नहीं कहा कि इस मुट्ठी में क्या है, इसलिए और ना कभी ये कहना पड़ता बेटा आवाज घटा दो कि बढ़ा दो अच्छा लगता है। कोई दूसरा मिल जाए तो मैं ये कहता कि थक जाता हूं थोड़ी आवाज करो सीटी का हमारी कम करो मैं थक जाता हूं। इसलिए मेरे श्रोताओं से कह देता हूं कभी कभी साउंड वाला अकेल को बुला लेना वो ठीक लगता है। तो भाई बहनों फिर भी कोई शिकायत नहीं, गांव वालों ने कहा साउंड और टेंट महाराजी का रहेगा। भाई मैं कह रहा था चल पैसे तो आपके रहेंगे नहीं और पैसे कहोगे तो वैसे भी समर्थवान हूं, आपने मुझे इतना समर्थवान बना दिया समाज में, मैं समाज का ऋणी रहूंगा। अभी कांट में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है 21 तारीख को विश्व स्थापना दिवस, 535 वर्ष हो गए विश्व धर्म स्थापना को। इस बार मन करा हरियाणा में हम लोगों ने बहुत बड़े स्तर पर बनाना शुरू कर दिया, राजस्थान में बहुत बड़े स्तर पर बनाना शुरू कर दिया, अब इस बार यूपी की बारी है। और मुझे पूरी उम्मीद है 6,000 से 7,000 लोग इस बार गुड़ मंदिर पर इकट्ठे होंगे। और हमने उनसे कह दिया कि भोजन की पानी की कोई इसकी कोई चिंता मत करना, सब गुरु महाराज जी अपने आप करते रहेंगे, आप केवल आ जाना बस, उपस्थिति जरूर दर्ज कर अपना स्थापना विष्णु स्थापना दिवस में। मेरा आपसे अनुने निवेदन भी रहेगा और मैं आपको कथा के बहाने निमंत्रण देने भी आया, तो सबको निमंत्रण है मेरा उस दिन 21 तारीख को कथा शायद दो ये शुरू करेंगे। कथा बहुत अच्छी कथा करते हैं मेरे दो शिष्य सत्यदेवानंद जी और अमृतानंद जी, ये दोनों बहुत ही अच्छे कथावाचक हैं, बड़े सभ्य कथावाचक हैं। और छोटी सी अवस्था में इन्होंने भी तकरीबन भागवत के कई हजार श्लोक कंठस्थ है, इस रामायण को तकरीबन कंठस्थ है छोटी अवस्था है। सत्यदेवानंद जो 2-3 शिष्य मुझे ऐसे मिले मैं गौरव करता हूँ कि ये बच्चे बड़े ही होने आ रहे हैं। तो उस दिन ये कथा देखने का विलंब से आऊंगा लेकिन वो तो मैं कर लूंगा आपस में बैठ के, हमारे आपस की बात है, लेकिन फिर भी बता देना बड़ा जरूरी होता है।
और हाँ कहना चाहूंगा माइक के माध्यम से सुल्तानपुर की माताओं को बहुत काम है। केवल 50-60 महिलाएं हैं, जबकि सुल्तानपुर की महिला मीरपुर में सुनर गति करता तो 100-100 आती थी, और अपने गांव में कथा हुई तो घर बैठी है। बताओ मेरा उल्हाना है। हाँ गरीबों में आदमी तो हर परिवार से दिखाई दे रहे हैं, अपने सैनी परिवार से बहुत लोग हैं, विश्वेश समाज से बहुत हैं, अपने हरिजन भाई से समाज से भी, सारे समाज के लोग कथा सुनने आते हैं। और ये भी खूबी अपने सुल्तानपुर गांव में है, सुल्तानपुर वालों को जोरदार ताली भर के स्वागत करते हैं और कथा को यही विश्राम देते हैं, ये कहते हुए कि अस्वादा आनंदा अबैर और क्षमाशीलता और संपल भोजन पाना, कभी क्रोध मत करना, किसी की निंदा मत करना, और हाँ कोशिश करना अबैर बैर भाव कथा से मिटे, हमारे मनों की कलुषता मिटे, हमारे मनों के दुर्भाव मिटे, हमारे मन के विकार मिटे, विषय विकार मिटाओ संतन की सेवा, विषय विकार मिटे, यही कथा इसलिए कथा कराई जाती है, यही कथा का फल भी है, यही कथा का फूल भी है, और यही कथा के प्रति सम्मान भी है। इसी के साथ में मेरी वाणी को राम देता हूँ। 4:30 बजे है आज, 4:30 बज गए, बाकी हर रोज कथा 4 बजे तक होगी। आज थोड़ी कथा को विलंब हुआ इसलिए मुझे 1.5 घंटा कथा का समय मिला है। धन्यवाद। सब खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थान पर भगवान की मंगलमय आरती के लिए, एक आरती पुरुषों के लिए, एक आरती महिलाओं के लिए, 2 आरती सजाने। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणतजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं नगरसदसमेत वर्णसुभागं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविजयाकरं वंदे विष्णु भवैरं सर्वलोकैकनाथनं। जब भीष्म भगवान की जय हो, आइए बड़े भाव से भगवान की मंगल में आरती। महाविष्णु आरती की जय श्री महाविष्णु देवा, सुन रे मुनि जन करे सबसे आरती की जय श्री महाविष्णु देवा, सुन रे मुनि जन करे सबसे।
शांति रहो तू यार की सबको देखो।